Good morning, today is 13th of November 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहले आर्टिकल में हम चर्चा करेंगे जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने संबंधित करप्शन का एक बड़ा मामला लाइट में आया. सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई कि सीबीआई से इसकी मामले की जांच ना करवा के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच करवाई जाए इस मामले की रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में. लेकिन उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उससे सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को काफी आघात पहुंचा. डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को. नीचे का आर्टिकल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से संबंधित है. 10 नवंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और काफी अहम फैसले लिए गए. इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद बीच में ये बड़ा आर्टिकल आधार कार्ड से संबंधित है. सरकार ने हाल फिलहाल में काफी स्कीम्स के लिए आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया, कंपलसरी बना दिया. इस आर्टिकल में फोकस होगा पीडीएस सिस्टम पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे. सरकार ने बेनिफिशरीज को कहा कि अगर फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आप अपने अधिकारों को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको अपने राशन कार्ड को लिंक करना होगा आधार कार्ड से. लेकिन बहुत सारे लोग अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक नहीं कर पाए, इसीलिए वो अपने अधिकारों को अब एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और भुखमरी का शिकार हो रहे हैं बहुत सारे लोग ट्राइबल इलाकों में. तो डिटेल से इस आर्टिकल पर हम चर्चा करेंगे. नीचे का आर्टिकल आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से संबंधित है. किस प्रकार से आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का मिसयूज मानवता के लिए खतरा पैदा कर सकता है. और बाद में दूसरे पेज पर यह आर्टिकल बताता है कि किस प्रकार से इंडिया काउंटर चाइना के जो अलायंसेज हैं उसमें उलझ के रह गया है. क्या इस प्रकार के जो अलायंसेज हैं जिसमें अभी इंडिया इन्वॉल्व हो रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, क्या वो इंडिया के लिए लाभदायक हैं या फिर हानिकारक हैं, इस आर्टिकल पे भी हम चर्चा करेंगे. यहां पर यह आर्टिकल इंपोर्टेंट नहीं है, हर मंडे को पब्लिश होता है. द हिंदू ने कौन सी न्यूज को प्रायोरिटी दी किस पेज पे, तो ये सारी बातें एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे. और नीचे ये दो आर्टिकल्स हैं ये बुक से संबंधित है, ये भी इंपोर्टेंट नहीं है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने के लिए करप्शन का जो मामला सामने आया था उसे डिस्कस करते हैं. पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं बेसिक्स के साथ, ये पूरा मामला आखिरकार है क्या. लखनऊ में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंस्पेक्शन की इस मेडिकल इंस्टीट्यूट की. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को काफी सारी कमियां मिली और इन कमियों की वजह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मेडिकल इंस्टीट्यूट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी. यानी ये कहा कि आप अगले सेशन में नए स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं कर सकते. अब प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी ये जो इंस्टीट्यूट है वो कोर्ट में जाता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के इस डिसीजन के खिलाफ. यानी इस इंस्टीट्यूट का कहना है कि हमारे साथ गलत हुआ है और हम पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए थी, हम कोर्ट में जाएंगे. ये कोर्ट में गए. आरोप ये है कि जब ये मेडिकल इंस्टीट्यूट कोर्ट में गया तो इन्होंने जजेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, यानी रिश्वत देने की कोशिश करी जुडिशरी को ताकि जो फैसला है वो इनके हक में आए. पहले ये मामला गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो फैसला आया वो इनके हक में आया इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में. लेकिन बाद में फिर से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में. जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था किसकी अध्यक्षता में, एक अभी जो फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दीपक मिश्रा, वो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे लेकिन सीनियर जज थे, उनकी अध्यक्षता में एक बेंच गठित की गई थी और वो इस मामले की सुनवाई कर रही थी. तो उस समय सीबीआई ने एक रेड डाली. सीबीआई को इस पूरे मामले का पता चल गया कि किस प्रकार से ये जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो जजेस को खरीदने की कोशिश कर रहा है. रेड में सीबीआई ने काफी सारे ब्रोकर्स को गिरफ्तार किया, दलाल को गिरफ्तार किया, 2 करोड़ रुपए भी बरामद हुए. तो ये पूरा मामला है. अब क्या हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई. सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल के कहा गया कि देखो ये जजेस को इन्फ्लुएंस करने की बात है, इसलिए सीबीआई के भरोसे इस जांच को नहीं छोड़ सकता क्योंकि सीबीआई तो सरकार के कंट्रोल में आती है, सीबीआई ठीक से इस पूरे मामले की जांच करेगी नहीं. इसलिए पिटीशन में कहा गया कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जानी चाहिए ताकि इस पूरे मामले की जांच हो जाए और ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित होनी चाहिए एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में. इसके अलावा पिटीशनर ने यह भी कहा कि अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं दीपक मिश्रा, वो ना तो इस मामले की सुनवाई करेंगे और ना ही यह डिसाइड करेंगे कि कौन सी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब सीबीआई ने रेड डाली तो रेड में पता लगा कि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पैसों की सहायता से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है. तो उस समय जो सुनवाई चल रही थी इस पूरे मामले की वो दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में एक बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा था. हालांकि सीबीआई ने नाम नहीं लिया है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज का, लेकिन पिटीशनर का कहना है कि ये तो जांच के बाद पता लगेगा, अगर निष्पक्ष जांच होगी उसके बाद पता चलेगा कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने इन्फ्लुएंस वो हो गए थे, यानी पैसा लेने के लिए उन्होंने हां भर दी थी या नहीं भरी थी. तो इसीलिए अभी फिलहाल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको इस पूरे मामले से अपने आप को अलग कर देना चाहिए. ये पूरी पिटीशन डाली गई थी जस्टिस चे चेलमेश्वर की एक बेंच में.
तो जस्टिस जे चलमेश्वर ने इस पिटीशन पे फैसला देते हुए कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो डिसाइड करेंगे कि अलग से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जाए या ना की जाए। अब देखो, जैसे ही जस्टिस जे चलमेश्वर ने यह फैसला दिया, उसके बाद जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दीपक मिश्रा, उन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर एक नई बेंच गठित की 5 जजेस की, और उस 5 जजेस की बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला दिया कि सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी बेंच किस मामले की सुनवाई करेगी, किसी और जज को ऐसा तय करने का अधिकार नहीं है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी अथॉरिटी को असर्ट किया। अब आर्टिकल देखो दो बातें कहता है कि एक बात तो यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लॉ के हिसाब से सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि वही डिसाइड करेंगे कि कौन सा मामला किसकी बेंच के पास जाएगा, लेकिन मोरली वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि जो ये पूरा मामला है उनसे संबंधित है, इसलिए वो ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। और दूसरा, प्रशांत भूषण और जो दूसरे पिटिशनर हैं जिन्होंने पिटिशन फाइल की थी, वो भी गलत हैं। वो गलत कैसे हैं? उन्होंने जे चलमेश्वर की जज की जो बेंच है उसके पास पिटीशन डाली ही क्यों? क्योंकि उनको पता था इस बात का कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मामला किस बेंच के पास जाएगा, इसलिए उन्होंने किसी और जज के पास बेंच के पास में पिटीशन डालनी ही नहीं चाहिए थी। यानी दोनों तरफ से जुडिशरी की जो रेपुटेशन है उसका हर्ट हुआ, जो प्रतिष्ठा है उसको आघात पहुंचा, ये पूरा मामला है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। Critically examine the need of judicial reforms and accountability in judiciary for efficient working of democracy in India. मतलब भारत में लोकतंत्र को ठीक से काम करने के लिए judicial reforms और judiciary में accountability की क्या आवश्यकता है, इस बात को आपको critically examine करना है। उसके बाद आज का quote है, democracy is not law of majority but protection of the minority. मतलब democracy majority का law नहीं है बल्कि minority का protection है। देखो, लोकतंत्र का मतलब होता क्या है? लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि किसी भी मामले का जो फैसला करना है, निपटारा करना है, मिल बैठ के करेंगे। यानी जितने ज़्यादा वोट होंगे उस मामले के पक्ष में, उसी रूप से उस मामले का निपटारा होगा, उसी रूप से उस मामले को डिसाइड किया जाएगा, जितने ज़्यादा वोट होंगे। लेकिन लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी ये बात भी एज्यूम करती है कि ये जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी है ये परमानेंट नहीं है, ये हर मुद्दे पर चेंज होगी। अगर ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी परमानेंट है तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं, फिर वो लोकतंत्र नहीं। होता क्या है, कुछ डेमोक्रेसीज में ये जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी है वो परमानेंट हो जाती है कई चीजों पे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, या फिर दूसरे इश्यूज पे, तो फिर उस देश में जो लोकतंत्र होता है वो एफिशिएंट रूप से काम नहीं कर पाता। समझ गए? यानी हर चीज का, हर इश्यू को जो डिसाइड किया जाए वो अलग से मेजोरिटी और माइनॉरिटी के रूप में किया जाए, और उस मेजोरिटी और माइनॉरिटी को किसी भी मुद्दे पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे फिक्स ना किया जाए। देखो, एक कहावत आपने सुनी होगी, चमन में इख्तिलाते रंगों से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मतलब ये है कि मेजोरिटी होने का मजा तभी है जब माइनॉरिटी है, सरकार चलाने का मजा तभी आएगा जब ओपोजिशन है सामने। अगर सामने ओपोजिशन ही नहीं है तो फिर वो डेमोक्रेसी क्या, फिर तो वो टोटलिटेरियन रूल हो गया, फिर तो वो बादशाह वाला रूल हो गया। इसीलिए ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन जो इस बार 2017 में आया था यूपीएससी का, वो देख लीजिए, जो आपको अटेम्प्ट करना है। हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, प्रेशर ग्रुप से इंडिया की जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद, डू यू एग्री विद द व्यू दैट इनफॉर्मल ग्रुप्स हैव इमर्ज्ड एज पावरफुल देन द फॉर्मल ग्रुप्स इन रिसेंट ईयर्स। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैं वो आज के समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए हैं फॉर्मल प्रेशर ग्रुप से हाल फिलहाल के सालों में? तो ये क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से संबंधित है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई गुवाहाटी में 10 नवंबर यानी फ्राइडे को, और काफी सारे इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए। सबसे इंपॉर्टेंट फैसला, 200 ऐसे प्रोडक्ट्स जिन पे अभी टैक्स लगता है 28%, उस पे जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को घटा के कर दिया है 18%। यानी आपको याद होगा जब जीएसटी आया था तो 1200 प्रोडक्ट्स को 5 टैक्स लेस में डिवाइड किया गया था। अब इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फैसला लिया है कि 200 ऐसे प्रोडक्ट्स जिन पे अभी टैक्स लगता है 28%, लेकिन टैक्स लगेगा 18%, यानी टैक्स रेट को घटा दिया है। आर्टिकल का कहना है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स ने हाल फिलहाल में काफी सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो पीपल फ्रेंडली हैं, यानी जो इंप्लीमेंटेशन में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी जीएसटी की, उसको जीएसटी काउंसिल ने दूर करने का फैसला लिया है। जब जीएसटी आया था तो उसमें 250 प्रोडक्ट्स आते थे 28% टैक्स की स्लैब में, लेकिन अभी सिर्फ 50 प्रोडक्ट्स आते हैं जिन पर टैक्स लगता है 28%। इसके अलावा कंपोजिशन स्कीम की हम बात कर लेते हैं। कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो स्मॉल
बिजनेस है यानी स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं उनको 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं और उनको फ्लैट टैक्स रेट पे रिटर्न भरना पड़ता है, समझ गए। तो जब जीएसटी आया था तो सिर्फ 75 लाख से 1 करोड़ जिनका टर्नओवर है वो बिजनेस एलिजिबल थे कंपोजिशन स्कीम के लिए, लेकिन बाद में जीएसटी काउंसिल ने इस लिमिट को बढ़ा दिया और 1.5 करोड़ जिन स्मॉल इंडस्ट्रीज का टर्नओवर है वो भी एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए। एसेंस यही निकलता है कि जीएसटी काउंसिल ने काफी बड़े अच्छे फैसले लिए हैं ताकि और ज्यादा पीपल फ्रेंडली बनाया जा सके जीएसटी को, लेकिन फिर भी अभी 2-3 महीने का समय लगेगा क्योंकि देखो 200 प्रोडक्ट्स पे टैक्स रेट को कम किया गया है, लेकिन अभी तो इन प्रोडक्ट्स पे जो एमआरपी है वो छपा है तो पहले तो ये जो इन्वेंट्री है मार्केट में वो खत्म होगी, उसके बाद लोगों को इसका फायदा मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन अभी देखो बजट जो है वो आएगा उससे इसमें गवर्नमेंट को काफी रेवेन्यू का लॉस होगा क्योंकि जीएसटी के आने के बाद से बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने अपने पहले महीने के जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो भी फाइल नहीं किए हैं, इसलिए रेवेन्यू पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा लेकिन आगे चल के फायदा होगा इस बात की गारंटी है। उसके बाद देखो आर्टिकल कहता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे जल्द से जल्द विचार करना आवश्यक है, चाहे वो लैक ऑफ कंसेंसस हो काफी सारी चीजों में पुअर इंप्लीमेंटेशन को लेकर, क्योंकि जीएसटी में जो भी पोर्टल है जीएसटीएन वो उसका नेटवर्क जो है अभी भी काफी बार ठीक से काम नहीं करता, और ट्रांसपेरेंसी भी आनी चाहिए जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग में क्योंकि देखो पहले जीएसटी जब नहीं आया था तो पूरे साल में सिर्फ बजट के दौरान ही ये टैक्स रेट्स डिसाइड होती थी, लेकिन अब तो जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है हर एक महीने ये टैक्स रेट्स चेंज हो जाते हैं, इसलिए बिजनेसमैन जो है वो काफी वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ रहा है उनको, तो ये सारा जो सिस्टम है उसको प्रेडिक्टेबल बनाना आवश्यक है ताकि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको पता लगे कि फ्यूचर में टैक्स रेट्स क्या होंगी और वो अपने बिजनेस को उसी हिसाब से ढाल सकें। तो ये पूरा मामला था यानी पूरा आर्टिकल था, और लास्ट में एक बात बोली जाती है कि जीएसटी काउंसिल जो भी स्टेप उठा रही है अंतिम लक्ष्य एक ही होना चाहिए, एक नेशन एक टैक्स, यानी जो 5 टैक्स स्लैब्स हैं उनको खत्म करना भी आवश्यक है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल आधार कार्ड से संबंधित है। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है कि पिछले महीने अक्टूबर में छत्तीसगढ़ और झारखंड के ट्राइबल इलाकों में काफी सारी डेथ्स हुई भूख के कारण, हंगर के कारण, और आज से 15 साल पहले 2002 के अक्टूबर में भी इसी वजह से भूख के कारण काफी सारी डेथ्स हुई थी, तो उस समय जुडिशरी ने और इवन पॉलिटिशियंस ने यानी सरकार ने भी काफी सारे अहम फैसले लिए थे, जैसे जो एक्सक्लूडेड ट्राइबल्स हैं जिनको पीडीएस का लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको पीडीएस का लाभ दिया गया और एक स्पेशल पैकेज के तहत घी और पल्सिस भी उन ट्राइबल्स इलाकों में दिए गए, ट्राइब्स को दिए गए, और आज आवश्यकता है इसी तरह से जुडिशरी जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्शन ले और सरकार जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्शन ले और जो लोग ट्राइब्स जो वंचित हैं अभी फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है उनको उनका अधिकार मिले। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ट्राइबल इलाकों में लोगों को उनका अधिकार फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर क्यों नहीं मिल पा रहा है, वो इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सरकार ने आधार कार्ड को कंपलसरी बना दिया है फूड सिक्योरिटी एक्ट में अनाज देने के लिए। अब देखो दो चीजें हैं, एक तो है सरकार ने ये कहा कि आपको अपने राशन कार्ड को लिंक करना है आधार कार्ड से, इस चीज को कहते हैं सीडिंग यानी सीडिंग ऑफ राशन कार्ड विद आधार कार्ड्स। इसमें राशन कार्ड में जो भी हाउस होल्ड है यानी जो भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के सामने आधार कार्ड का लिखा होना आवश्यक है। अब देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने राशन कार्ड को लिंक नहीं कर पाए आधार कार्ड से, कुछ लोगों को पता नहीं था वो अनअवेयर थे कि लिंक करना है, कुछ लोगों ने कोशिश की बिचौलियों की सहायता से कि आप हमारा आधार कार्ड जो है वो लिंक कर दीजिए राशन कार्ड से, लेकिन उन बिचौलियों ने गलती करी पैसे ले लिए काम नहीं किए, और सबसे लास्ट में इशू आता है कि कुछ तो काफी कोशिशों के बावजूद भी अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं कर पाए राशन कार्ड से, वो सारे जो लोग थे वो एक्सक्लूड हो गए इस पूरी प्रोसेस से, यानी वो चाहके भी अब फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत अपना अनाज नहीं ले सकते। उसके बाद भी ये इश्यू यही नहीं खत्म होता, उसके बाद ये है कि उन्होंने अगर अपना आधार कार्ड लिंक करवा भी लिया राशन कार्ड से, जब वो पीडीएस शॉप्स में जाएंगे अनाज लेने के लिए तो उनको अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करने होंगे और तब जाके उनको अनाज मिलेगा, लेकिन इस प्रोसेस में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसे? कई बार तो ऐसा होता है कि देखो लाइट नहीं होती, कई बार इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, कई बार जो ये मशीन्स हैं जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैन करने पड़ते हैं ये मशीन ठीक से काम नहीं करती, कई बार जो पीछे का सर्वर है जहां पे ये सारा जो डेटा है वो रहता है वो सर्वर डाउन होता है, इसी वजह से जो ट्राइबल इलाकों में जो लोग हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और अभी देखो सरकार ने सारे स्टेप्स इसलिए उठाए हैं क्योंकि सरकार कहती है कि हमने लीकेजेस को रोका है, हमने करप्शन को कम किया है, लेकिन आर्टिकल का कहना है कि इस पूरे प्रोसेस से करप्शन कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करप्शन दो तरह का होता है, एक आइडेंटिटी करप्शन, दूसरा क्वांटिटी करप्शन। पहले हम बात करते हैं क्वांटिटी करप्शन की। क्वांटिटी करप्शन क्या होता है? मान लीजिए जो पीडीएस में शॉप ओनर है उसको अनाज देना है 1 किलो,
एक किलो वीट देना है या फिर राइस देना है बेनिफिशियरी को, लेकिन उसका जो तोलने का सिस्टम है, जो तराजू है, आजकल डिजिटल तराजू आते हैं, उसी में किसी प्रकार की कमी है कि वो एक किलो अनाज ना तोल के तोलेगा 700 ग्राम या फिर 800 ग्राम। इस प्रकार का जो करप्शन होता है वो नहीं रुकेगा आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करने से। और उसके बाद बात आती है आइडेंटिटी करप्शन की। अब देखो, किसी ने अपना राशन कार्ड ही फर्जी बनवा के रखा है तो फिर कैसे करप्शन रुकेगा? यानी शुरू में जो जिस भी चीज से राशन कार्ड बनवा के रखा है किसी पर्सन ने, अगर उसी प्रोसेस में अगर किसी प्रकार की खामी है और एक पर्सन के नाम पे चार चार पांच पांच राशन कार्ड हैं, तो फिर किस प्रकार से करप्शन को रोका जा सकता है? यानी सरकार को कुछ अलग उपाय करने होंगे अगर आइडेंटिटी करप्शन और क्वांटिटी करप्शन को रोकना है तो। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के मिसयूज से संबंधित है। शुरुआत में राइटर के द्वारा एक एग्जांपल दिया जाता है कैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हैं मानवता के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। महाभारत में आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण के पास एक सुदर्शन चक्र होता है और जो सीरियस क्रिमिनल्स होते हैं उनके खिलाफ भगवान श्री कृष्ण इस सुदर्शन चक्र का यूज करते थे और इस सुदर्शन चक्र को छोड़ देते थे। छोड़ने के बाद ये सुदर्शन चक्र ऑटोनोमस हो जाता था, ऑटोनोमस मशीन की तरह काम करता था, और वो सीरियस क्रिमिनल अगर दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, ये सुदर्शन चक्र उस अपराधी का वध करके वापस श्री कृष्ण के पास लौट आता था। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है वो भी ऑटोनोमस मशीन तैयार कर रही है जिससे ह्यूमन एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगी। जैसे एग्जांपल देते हैं हम रोबोट्स का। अब कुछ दिनों पहले इस तरह की खबरें सामने आई कि कुछ कंट्रीज ने युद्ध के लिए जो रोबोट्स हैं वो भी तैयार कर लिए हैं ताकि युद्ध के समय इस तरह के जो ऑटोनोमस रोबोट्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सके। तो अब होगा क्या, यूनाइटेड नेशंस एक्सपर्ट्स ग्रुप्स की एक मीटिंग होगी जेनेवा में। डिफरेंट कंट्रीज के जो एक्सपर्ट्स आएंगे और वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं, कुछ ऐसे नॉर्म्स बनाए जाएं ताकि जो कंट्रीज हैं, डिफरेंट जो देश हैं, वो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है उसका मिसयूज ना करें। देखो, हमेशा से ही जो वेपन्स हैं वो तो एक प्रकार से मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन 19th सेंचुरी में 20th सेंचुरी में आपको याद होगा जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ बनाए गए थे ताकि युद्ध में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन लॉ बनाए गए थे। तो अब आर्टिकल कहता है उसी प्रकार से जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ बनाए गए थे 19th-20th सेंचुरी के हिसाब से वो अब इरिलेवेंट हो गए हैं, उनको भी मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जो गलत इफेक्ट्स हैं उनको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। अब कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि क्या डिफरेंट जो कंट्रीज के जो एक्सपर्ट्स हैं वो मिलके वो इस तरह से कोई कानून बना सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं? तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है राइटर। वो कहते हैं देखो, सबसे पहले तो बात आती है यूएन। यूएन काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। पास्ट में भी आम कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित जो बड़ी कन्वेंशन साइन हुई हैं वो यूएन की एजिस में साइन हुई हैं, और यूएन एक न्यूट्रल वेन्यू का काम कर सकता है जिसमें डिफरेंट कंट्री से एक्सपर्ट आएंगे और ये मिलकर डिसाइड करेंगे कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना हो। इसके अलावा अगर यूएन काम नहीं करता है तो एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच भी अपनाई जा सकती है। जैसे अभी इंटरनेट को गवर्न करने के लिए आईकैन है, आईकैन गवर्न करता है, एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक उसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भी एक मल्टी स्टेक होल्डर कोई एजेंसी हो सकती है। जो बड़े जो टेक्नोलॉजी के जो लीडर्स हैं जैसे इलोन मस्क, इन्होंने भी कहा था कि रेगुलेट करने की आवश्यकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे जाके भविष्य में। लास्ट में वे फोर्ड में आर्टिकल के द्वारा कहा जाता है कि यूएन और जो दूसरी मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच है, चलो वो तो काम करेगी नहीं करेगी, वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कंट्रीज को समझना होगा, उनको खुद को ही अपने अपने क्षेत्रों में इस टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने की आवश्यकता है, अपने अपने देशों में रेगुलेट करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी ये देखना होगा कि गलत मिसयूज ना हो इस टेक्नोलॉजी का और लोगों के लिए खतरा पैदा ना करें ये टेक्नोलॉजी। जैसे अब देखो, जो ड्राइवरलेस कार बनाई जा रही है, ड्राइवरलेस कार जब सड़कों पर दौड़ेगी, अगर वो एक्सीडेंट करती है या फिर किसी को कुचलती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? तो ये सारी चीजें जो है हमें देखनी होगी, तभी ये जो एप्लीकेशंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को, हमें उन एप्लीकेशंस को यूज करना होगा, खतरे देखने के बाद यूज करना होगा एप्लीकेशंस को। तो इसी मुद्दे पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहले सिंपल सी डेफिनेशन देनी है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके बाद डिस्कस वेरियस आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी लीडर्स टू रेगुलेट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी आपको आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करना है, जो जैसे इलोन मस्क हैं या फिर दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने की आवश्यकता है, वो क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स आपको डिस्कस करने हैं। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ।
अगला आर्टिकल कहता है कि हाल फिलहाल में जो इंडिया है वो काफी सारे अलायंसेज में शामिल हो रहा है, जैसे क्वाड्रिलेटरल अलायंस के बारे में हमने डिस्कस किया था 3-4 दिन पहले, जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएस है। ये चारों देश मिलके इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को कंटेन करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और भी अलायंस देखने को मिल रहा है 3 कंट्रीज के बीच में, इंडिया, जापान और यूएस। आगे चल के और भी देश शामिल हो सकते हैं। ये अलायंस कहां देखने को मिल रहा है? अफगानिस्तान से साउथ ईस्ट एशिया में, यानी इस पूरे रीजन में, अफगानिस्तान में, साउथ ईस्ट एशिया में, ये तीनों देश मिलकर काम कर रहे हैं जमीन पे। यानी जो इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है वो तो मैरीटाइम अलायंस है, लेकिन अफगानिस्तान से लेकर साउथ ईस्ट एशिया में भी ये तीनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। अब देखो, आर्टिकल के द्वारा कहा जाता है कि इंडिया को सोच समझ के शामिल होना चाहिए इन ग्रुप्स में, क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक हैं कि इंडिया को भी फायदा हो सकता है, शॉर्ट टर्म में इंडिया को आवश्यकता है यूएस की, इंडिया को आवश्यकता है जापान की, इसीलिए इंडिया इन देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। लेकिन फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है। यूएस में क्या आप विश्वास कर सकते हो? नहीं कर सकते। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं फिलहाल ट्रंप, वो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग से मिले उनसे और बात की कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं। यानी एक तरफ तो यूएसए जो है वो भारत का समर्थन करता है कि बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसको दूसरे देशों की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये बयान दिया था यूएसए ने जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में। दूसरी तरफ जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जाते हैं चाइना में तो वो इस तरह का एग्रीमेंट करते हैं कैसे दोनों देश मिलकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यूएस पे विश्वास नहीं कर सकते। अब कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं कैसे जो तीन देश हैं इंडिया, यूएस और जापान मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं अफगानिस्तान और जो आसपास के रीजन है वहां पे। सबसे पहला एग्जांपल है यूएस ने घोषणा की कि नेपाल में वो $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके और नेपाल की ज्यादा से ज्यादा लिंकेजेस हों इंडिया के साथ। इसके अलावा इंडिया और जापान मिलकर एक LNG का जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप कर रहे हैं श्रीलंका में। इसके अलावा इंडिया और जापान के द्वारा जॉइंटली एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चाइना ने पहले स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी अपनाई थी इंडिया को काउंटर करने के लिए। जो इंडिया के आसपास के पोर्ट्स हैं दूसरे देशों में वो डेवलप किए थे चाइना ने और वो ड्यूल यूज पोर्ट थे, सिविक पर्पजेज के लिए भी और मिलिट्री पर्पजेज के लिए भी। लेकिन चाइना ने क्या किया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो पॉलिसी थी उसको लेजिटिमाइज कर दिया। यानी कि बाद में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो उनका प्रोग्राम है वो आया और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोग्राम से उन्होंने जो दूसरे कंट्रीज हैं उन्होंने भी उनसे भी सहमति ले ली और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की अपनी जो पॉलिसी थी उसको लेजिटिमाइज कर दिया। यानी चाइना ने बहाना ले लिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत कि हम जो कर रहे हैं ये सब कुछ इस पूरे रीजन में कनेक्टिविटी इस्टैब्लिश करने के लिए कर रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों किया गया? मकसद एक दूसरा भी था, ताकि चाइना के जो दुश्मन देश हैं उनको काउंटर किया जा सके, इसलिए यूएस से कंसर्न्स भी हैं। अब ये सारे देश मिलकर ये सोच रहे हैं कि नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, म्यांमार हो, ये सारे देश चाइना के पास क्यों जाते हैं? ये सारे देश चाइना के पास इसीलिए जाते हैं ना क्योंकि उनको पैसे चाहिए, उनको फाइनेंस चाहिए। इसीलिए इंडिया, यूएस और जापान मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जो आसपास के देश हैं चाइना के उनको पैसे दिए जा सकें। और जिस प्रकार से चाइना से जब वो लोन लेते हैं तो वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, लेकिन हमसे जब वो लोन ले और डेट ट्रैप में ना फंसे और हमारे करीब ज्यादा आ जाएं और चाइना के करीब ना जाएं। यानी चाइना को साफ साफ काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लास्ट में जो बात बोली जाती है सेम बात, कि इंडिया को सोच समझ के फैसला लेना चाहिए इन सारे ग्रुप्स में और इंडिया को अपने इंटरेस्ट बेस पे सारे फैसले लेने चाहिए। जैसे हाल फिलहाल में रशिया ने एक प्रपोजल दिया है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को डेवलप करने का, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को डेवलप करने का। अभी देखो छबार पोर्ट डेवलप हो गया है और जो पहला जो कंसाइनमेंट है वो पहुंचा छबार पोर्ट के रास्ते अफगानिस्तान में। अब इस कॉरिडोर को आगे भी बढ़ाया जा सकता है रशिया तक, सेंट्रल एशिया की थ्रू होते हुए। अगर ये पूरा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर डेवलप हो जाता है तो रशिया और इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है आसान हो जाएगी। आर्टिकल कहता है कि हमें अब ये नहीं सोचना चाहिए कि रशिया जो है वो चाइना की साइड है, दूसरे ग्रुप में है। इंडिया को जो भी फैसले लेने चाहिए वो अलायंस बेस ना होकर अपने इंटरेस्ट बेस पर लेने चाहिए। तो ये पूरा इशू है। आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।